तो राहत की बात ये रही है कि किसी तरह की हानि की कोई खबर नहीं है। तो चलिए दूसरे कुदरत के कहर की हम बात कर लेते हैं। जी हम बात कर रहे हैं बिपरजॉय साइक्लोन की, हम बात कर रहे हैं। तो अलग अलग शहरों में क्या हालात है इस वक्त, क्या तैयारियां हैं, एक रिपोर्ट देखिए। चक्रवात के रूप में गुजरात की तरफ बढ़ रहे खतरे की पल पल की खबर रखने के लिए गांधीनगर में एक विशेष कंट्रोल रूम भी इस समय तैनात है। और आप देख सकते हैं कि इस कंट्रोल रूम में तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे इस चक्रवात की पल पल की न सिर्फ जानकारी रखी जा रही है बल्कि पूरा एक सेतु यहां पर बनाया गया है जिसके जरिए तमाम प्रभावित इलाके हो, उनके वहां पर अधिकारी हो, उन तमाम के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो सके, तमाम सूचनाएं यहां से वहां एक त्वरित तौर पर पहुंच सके और सुचारू रूप से पूरी जो सुरक्षा इंतजाम हैं या फिर जो भी प्रशासन की तैयारियां हैं उसको इंतजाम अंजाम दिया जा सके, उन तमाम चीजों के मद्देनजर यहाँ पर पूरा एक जो सकते हैं आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का एक काफिला जो है वो तैनात किया गया है। अब तक करीबन 4 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी इस चक्रवात के ऊपर नजर रखने के लिए तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा 9 राज्य स्तर के मंत्री हैं जिन्हें अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन तमाम लोगों ने अपना मोर्चा भी संभाल लिया है। इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, 15 एनडीआरएफ की टीमें हैं, उन्होंने भी एक तरह से अपना मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र से भी टीमें जो है बुलाई गई हैं तो वो भी गुजरात में पहुंच रही हैं। लोगों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो भी एक तरह से शुरू हो गई है, खास करके कच्छ के जो निचले इलाके हैं वहां से जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो तमाम की जा रही है निचले इलाकों से। मैं बता दूं कि करीबन 25 तहसीलें ऐसी हैं और इनमें 12.25 लाख लोगों के आसपास की बस्ती जो है वो बताई जा रही है जो इन समुद्री किनारों पर बसती है और इन तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर, खास करके कोई गर्भवती महिला है या फिर कोई विकलांग है या फिर कोई बीमार व्यक्ति है उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ये प्रक्रिया आज से शुरू हुई है लेकिन कल इसमें बहुत ज्यादा तेजी लाई जाएगी और इसके साथ साथ तमाम जो कोस्ट गार्ड है, मरीन पुलिस है और तटरक्षक दल है उनको भी तैनात रहने को कहा गया है।